कौन कौन सी गलती की वजह से होती है आपकी एलईडी टीवी खराब, कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपनी एलईडी टीवी की लाइफ 10 गुना तक। अगर एलईडी टीवी बंद हो रही है तो फ्री में ठीक करें कैसे, इस वीडियो को अंत तक देखकर। तो सबसे पहले जो चीज मैंने काफी जो नोट की है, ज्यादातर जो एलईडी टीवी खराब होती है उनका खराब होता है पैनल। और पैनल किस कारण से खराब होता है, सबसे बड़ी चीज क्या करती है, जैसे लेडीज होती है घर में तो वह क्या करती है, इसकी स्क्रीन को साफ करने के लिए इस पर कोलिन कर देती हैं या कोलिन से साफ कर देती हैं, नहीं तो फिर इसके अलावा पानी से साफ कर देती हैं या इस पर गीला कपड़ा मार देती हैं। तो होता क्या है, वो जो पानी की एक ड्रॉपलेट भी होती है वो यहाँ से पैनल में इसके अंदर चली जाती है, इस वजह से पैनल खराब हो जाता है। तो आपको हमेशा ये चीज नोट करनी है, इस पे कभी भी ना तो गीला कपड़ा मारना है और ना ये कभी भी कोलिन से साफ करनी है। अगर आप साफ करना चाहते हो तो आप इसे सूखे कपड़े से साफ कर सकते हो। जैसे इसके अंदर पानी जाता है तो इसके अंदर वाटरमार्क आ जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन एलईडी टीवी की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है जिनके अंदर पैनल में पानी चला जाता है। तो आप ये सोच लीजिए, अगर आपकी कोई भी एलईडी टीवी है, चाहे वो 20,000 की 30,000 की, जैसे उस पर पानी आपने डाल दिया तो आपकी एलईडी टीवी पूरी खराब हो जाएगी, आपको नई एलईडी टीवी ही बाय करनी पड़ेगी। रेयर परसेंट चांस रहेगी कि भाई वो आपकी एलईडी टीवी रिपेयर हो जाएगी। अगर हो भी जाती है रिपेयर तो बाद में भी उसमें दिक्कत आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी जो चीज होती है, जैसे ये एलईडी टीवी स्टैंड आपका पीछे जो दीवार में लगता है, तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है, अगर कहीं भी आपकी दीवार पे सीलन है, जैसे यहाँ पे पूरा सीलन से पानी हो जाता है, तो इस जगह पे आपको एलईडी टीवी इंस्टॉल नहीं करनी। कारण ये है, यहाँ पे अगर आप एलईडी टीवी अपनी इंस्टॉल करोगे तो आपकी एलईडी टीवी मॉइस्चर कैच करेगी, और जैसे ही आपकी एलईडी टीवी मॉइस्चर कैच करेगी इसमें भी खराब होने की संभावना आपकी बनी रहेगी। तो कोशिश ये करना कि ऐसी जगह पे आप एलईडी टीवी ना लगाएं जहाँ पे मॉइस्चर बने आपके एलईडी टीवी में और दीवार पे जहाँ पे सीलन हो। आप ये चीज समझ ले, जो पानी होता है ना वो एलईडी टीवी का दुश्मन है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ज्यादातर, जहाँ भी कुछ भी दिक्कत आती है पानी सबसे मेन कॉज रहता है। तो हमेशा एक बात याद रखनी है आपको, इसको हमेशा पानी से दूर रखना। ये तो मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल की भाई आपको कैसे अपनी एलईडी टीवी को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर एलईडी टीवी के अंदर से दिक्कत आ रही है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको फ्री में कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कभी कभार दिक्कत आती है कि भाई आपकी एलईडी टीवी चलते चलते बंद हो रही है, या फ्लक्चुएशन शो करती है, या हैंग हो जाती है पूरी, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है कुछ ना कुछ आपको परेशान करती रहती है। तो इसका सबसे बेस्ट उपाय ये है, जो भी इसके सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाता है या कुछ और भी दिक्कत आ जाती है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, तो आपको हमेशा ये चीज करनी है, आपको कुछ नहीं करना, बस इसकी सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाके आपको इसके कॉमन फीचर में जाना है, और जैसे ही आप इसके कॉमन फीचर में जाएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिस्टम रिकवरी का, आपको बस कुछ नहीं करना है, इसके सिस्टम रिकवरी पे रिकवरी का बटन पे क्लिक करना है। और जो भी अभी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, चाहे वो आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या कुछ और भी दिक्कत आ रही है इसमें जिससे आप इसको रिजोल्व नहीं कर पा रहे, तो ये अब ऑटोमेटिक रिकवरी करेगी अपने आप को और अपने आप ठीक कर लेगी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं एंटरिंग रिकवरी सिस्टम, तो अभी अपने आप रिकवर कर रही है और जो भी कुछ इसमें प्रॉब्लम है उसको ये इरेज कर देगी यहाँ से, जो भी कोई आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या कुछ और प्रॉब्लम इसमें आ रही है तो उसको ये ठीक कर देगी। तो ये सारी चीजें अगर आप हमेशा याद करके रखेंगे और अपने एलईडी टीवी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।